स्वास्थ्य विभाग ने कार्तिक शिक्षण संस्थान को एचआईवी के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए किया सम्मानित। परियोजना प्रबंधक अवधेश कुमार सिंह को भेंट किया स्मृति चिन्ह। आपको बता दें कि मुरादाबाद के जिला अस्पताल में 13 फरवरी को एचआईवी एड्स से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के बारे में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान स्वास्थ्य विभाग ने कार्तिक शिक्षण संस्थान को एचआईवी एड्स के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्यों के लिए सम्मानित किया एवं कार्तिक शिक्षण संस्थान लक्षित हस्तक्षेप परियोजना के वर्तमान परियोजना प्रबंधक अवधेश कुमार सिंह को प्रभावी कार्य के लिए एक स्मृति चिन्ह भी प्रदान किया गया। अवधेश कुमार सिंह ने सम्मान प्राप्ति उपरांत कहा कि ये सम्मान संस्थान के सभी सदस्यों के कठिन परिश्रम का परिणाम है। संस्थान एचआईवी एड्स से ग्रसित व्यक्तियों की मदद करने के लिए प्रतिबद्ध है और भविष्य में इस दिशा में काम करता रहेगा। कार्यक्रम में जिला विधिक प्राधिकरण के सदस्य, जिला क्षय रोग अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग के अन्य अधिकारियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और एचआईवी एड्स से ग्रस्त व्यक्तियों ने भी भाग लिया। कार्यक्रम के अंत में सभी उपस्थित लोगों ने एचआईवी एड्स के प्रति जागरूकता फैलाने और इससे ग्रस्त व्यक्तियों की मदद करने का संकल्प। वो सबसे बड़ा काज होता है, सबसे बड़ा काज होता है। और आप लोगों को एक चीज और बता दें कि उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में 35 ऐसे जिले चिन्हित किए गए हैं जो नशे से बहुत ज्यादा ग्रस्त है। उनमें मुरादाबाद भी है शामिल। अब इसमें देखिए, हम लोगों को खुश होने की बहुत जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें तो दुखी होना चाहिए हमको कि हम क्यों इसमें शामिल हैं। इसी नाते इस जिले में नशा मुक्त भारत अभियान भी चलाया जा रहा है, ताकि हम लोगों को जागरूक कर सके कि नशे से दूर रहें। नशे में जो लगा रहता है, क्या करता है? सबसे पहले किसका नुकसान करता है? अपना करता है। फिर उसके बाद अपने परिवार का करता है, समाज का। तो फिर उसके बाद समाज का करता है। तो सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि वो खुद को समझे कि हाँ, अपना क्या नुकसान कर रहे हैं। जीवन एक बार मिला है, नशे के चपेट में आ गया, हमारा सब कुछ खत्म हो गया। तो ये जो नशा है, जो इंजेक्टेबल नशा है, ये भी बहुत बड़ा काज होता है। जिसे चार लोग इकट्ठा हो गए, हालांकि यहाँ कुछ स्पॉट चिन्हित किए गए हैं कि हालांकि वो चीज मध्य निषेध विभाग के पास है, लेकिन कुछ स्पॉट चिन्हित किए गए हैं जहाँ चार से छह छह लोग या दस दस बारह बारह लोग इकट्ठा होते हैं, एक इंजेक्शन लेते हैं, उसी से पहले एक ने प्रयोग किया नशा लिया, फिर उसी से दूसरे ने, तीसरे ने, चौथे ने, पांचवे ने, फिर बारहवें ने लिया। तो ये एक बहुत बड़ा कारण होता है एचआईवी एड्स के संक्रमण का। ठीक है, हो सकता है आप लोगों के बीच में कोई ऐसा भी हो जो इस वजह से संक्रमित हुआ हो। तो अब सोचिए आपका क्या रोल हो सकता है। देखिए, जो जिस रास्ते पे जाता है वही उस रास्ते की कमियां बता सकता है। कभी किसी शराबी के मुंह से सुना है कि मैं अपने बेटे को शराबी बनाना चाहता हूं? नहीं सुना है ना। या कोई बता दे कि चलिए ठीक है, हम नहीं जानना चाहेंगे कौन पर्टिकुलर है, लेकिन आप ही लोगों से बीच में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो सिगरेट पीता हो, क्या वो चाहेगा उसका बच्चा सिगरेट पिए? नहीं ना। यदि आप लोगों के बीच में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो इंजेक्टेबल ड्रग्स लेने के बाद एचआईवी संक्रमित हुआ है, तो वो अपने बच्चों को, अपने घर को, अपने परिवार को ये समझा सकता है ना, ये गलत है? समझा सकता है? नहीं समझा सकता है, बिल्कुल समझा सकता है। देखिए, हम कहेंगे तो आपको समझ में आएगा, लेकिन आप अमल में लाएंगे ये कोई जरूरी नहीं है। लेकिन आप उस रास्ते पे गए हैं, उस चीज को भोगे हैं और उसको, मतलब उसकी जो दर्द है, दर्द को उसको सहा है।